यूक्रेन ते रूस दे हमले दे विचाले हालात बेहद खराब हुंदे जा रहे ने, पर यूक्रेन दे विच फसे भारतीय विद्यार्थियों नूं बाहर कढ़न दे लई लगातार यतन भी किते जा रहे ने। बहुत सारे भारतीय विद्यार्थी वापस आ चुके ने, पर खारकीव ते सुमी दे विच फसे विद्यार्थी माड़े हालातां दे विचों गुजर रहे ने। दूसरे पासे जिथे केंद्रीय मंत्री यूक्रेन पहुंचे, उथे ही अमृतसर तो सांसद गुरजीत सिंह औजला पोलैंड दे लई रवाना होए ने। गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि ओह विद्यार्थियों दे मदद दे लई पोलैंड जा रहे ने, तां जो बच्चियां नूं सुरक्षित बाहर कढ़िया जा सके। नाल ही रोस दे वजो कहा कि फसे विद्यार्थियों नूं बाहर कढ़न दे लई भारत सरकार ने बेशक अपने पद्धर ते काम किया ते कर भी रही है, पर सरकार दे वल्लों देर दे नाल एडवाइजरी जारी की गई है। जरूरत है इस चीज़ की, क्योंकि असी 5-7 दिन तो लगे हैं इतने इन्होंने टच सांपी नूं, सरकार दा सिस्टम भी डाउन सी, फिर हुण कल असी मीनाक्षी लेखी जी नूं भी मिले सारे मैंबर पार्लीमेंट, और असी कोशिश की है कि ये जिहड़ी अप्रोच है ये किसी ना किसी तरीके दे नाल उन्होंने लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि साडे बंदे एक्टिवली काम कर रहे हैं। और हुण इस वेले सब तो वड्डी खारकीव जिहड़ा एरिया उहदे जिहड़े बच्चे ने उत्थे साडे बच्चे फसे ने, 1200 उत्थे ने, 600 मेरा सुमी दे विच, उन्होंने बच्चों को किस तरह उतों लैके आना है। लंबा सफर है, 20 के करीब बसा चाहिए ने, सवेर के कॉन्टैक्ट है मेरी उदा भी गल हो रही है, उधरों हरदीपपुरी जी ने मैं मैसेज किया है, उन्होंने भी मैसेज आया कि असं कोशिश कर रहे हैं, सिंधिया जी ने भी मैसेज भेजे पर उन्होंने चलो रिप्लाई नहीं आया, चलो खैर उन्होंने देख लिया होएगा। तो मेरा मकसद कह कि असी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, पर जो हालात थले है जो पेरेंट्स की है, क्योंकि उन्होंने कला कला बच्चा है, वो साढ़े मतलब बड़ा अफसोस दे दुख जहा आ रहा कि उन्होंने बेचारे असी फोन पर गल तो कर लें, वो गल करने बाद उन्होंने लगता कि अरे अभी कुछ करते रहे या नहीं, क्योंकि दूर है एक दूजे तो। सो मैं अपने आप तो हूँ बेबसी समझ के सोचा कि हूँ क्यों ना उत्थे ही चलाया जाए, कि उत्थे जाके जो साडे पंजाबी भाईचारा है जां इंडियन भाईचारा है उन्होंने गलबात करके, मेरी गलबात हुई भी है, कुछ इंग्लैंड तो सी, कुछ जर्मनी तो ने, कुछ हॉलैंड तो ने, कुछ हंगरी तो ने दोस्त, जिन्होंने मत जिन्होंने कहा भी चलो अभी कोशिश करते, गल तो 3-4 दिन की चलनी, पर गल की होंगी कि समय का फर्क है, कभी असी फोन से रुझ जाने, कभी सानू होर कोई काम आ पैंता, कभी उन्होंने उन्होंने व्यापार वो अपने काम से रुझ जाते, जो उत्थे बैठे होवे तो उन्होंने एक तरीके एक स्ट्रैटजी बना के किसी ना किसी तरीके जिनी साढ़े को मदद हो सकूगी वो असी कोशिश करा भी वो उत्थे पहुँच सके, और वो बच्चे किस तरह वापस जोड़े आ ईस्टर्न यूक्रेन तो वैस्ट तक आ सकन और सेफ अपने घर आने वास्ते कोशिश। देखो सरकार के जो डिप्लोमेट रिलेशन ही सारे चंगे ना हो तो सरकार को भावदिया नहीं गल्ला, हूँ जोड़े डिवेल्प कंट्री से जो होर कंट्री से वो बच्चे पेनों कट के लै गए, उन्होंने इस गल की समझ सी डिप्लोमेट रिलेशन चंगे सन दूजे सन कंट्री के नाल, तो इन्हों पता ही नहीं लग सकता इन्होंने एडवाइजरी पहले तो लेट जारी की, जो की है तो उसे कहता कि तुम अपनी मर्जी कर सकते जी, जाके 20 तरीक तो बाद क्या भी खाली करो, फिर बच्चों ने 23, 24, 25, 26 फिर जो तुम्हें पता लग गया खाली करना पैना, फिर तुम फ्लाइट्स बता दो अपन सारिया फ्लाइट रोक के किसी न किसी तरीके, अब भी तो फ्लाइट जा ही रही ने ना उत्तर 15-15 तो जी उदों भेज देंगे 4-5 दिन उदों खाली हो जाते, यो काम उदों कर लेंगे, उदों उन्होंने छड़ता फिर 26 में जो उन्होंने अटैक करता तो उदों बाद फ्लाइट सारिया बंद हो गई। सो वो एडवाइजरी जी उन्हों की मर्जी तो रहन दी कि तुम चाहो तो खाली आ सकते चाहो तो नहीं आ सकते, पर बच्चे भी डबल माइंडेड हो गए कि पता नहीं मैडिकल की पढ़ाई एड्डी औखी होंगी कि प्रेजेंट रह के करनी पैंती, वो वास्ते बच्चे फिर उन्होंने भी सोचा कि क्यों आप ऑनलाइन क्लासेज है नहीं सी, कॉलेज ने मना करता कि ऑनलाइन क्लासेज नहीं होनी है, तो बच्चों ने भी सोचा कि मैडिकल की पढ़ाई साडा भी नुकसान होगा। सो इन्हां दी एडवाइजरी लेट होने करके और उनका स्पष्टता ना होने करके ये सारा मुश्किल आई है, पर चलो खैर हूँ जोड़ा समा लंघ गया वो तो आप बहुत गिनतू परंतु ना करिए, और हूँ जी इतने 4 मंत्री बने बैठे ने वो चलो अपनी एफर्ट कर रहे हैं, असी लोकल लैवल से जोड़े NGOs ने गुरु घर ने उन्होंने रल के जिनी मदद हो सकती होगी या कितने साड़ी लोड़ होगी वही आप सारे रल के कोशिश करा कि वो वैस्टर्न ईस्टर्न वाले बच्चे वो वैस्ट वाली साइड। तो क्या कोई रूपरेखा आपकी तरफ से बनाई गई है कि किस तरीके से वहाँ पर जाकर काम होगा? बिल्कुल मेरी गलबात हुई है, मेरे जो उत्थे लोग ने उन्होंने गलबात हुई, उन्होंने फिर असी बह के हूँ जाके रूपरेखा बनू, क्योंकि फोन पर दिखते गल जरूर हो रही है, हूँ मैं तुम्हें दसदा ना जो दूर हुई है ना फिर फोन पर जिदा हूँ फोन एक सुन लाँगे 4 काम होर आ जाने, जो उसे बैठे होवे फिर रूपरेखा तो शायद होर तेजी आए इस गल। क्या कल केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी से बातचीत हुई थी, क्या उन्होंने कोई आश्वासन दिया था इसको? उन्होंने तो यकीन दवाया से, उन्होंने ये किया है कि मास्को थानी कढ़ लो उधरली साइड में, पर वो पॉसीबल नहीं हो रहा, वो बॉर्डर खुलन का कोई चांस नहीं बन रहा रशिया साइड में, उन्होंने तो क्या ही कोशिश करा, पर अज तक जो अज तक हूँ तक न्यूज़ ने वो खुलन का कोई चांस ही नहीं हो रहा, जी तो खुल जाए फिर तो साडा सारा काम ही मुक जाता, हूँ ना ट्रांसपोर्टेशन मिल रही है ना ट्रेना च जगह है, ट्रेना जो यूक्रेनियन जे लोकल कंट्री के लोग उन्होंने ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस कर रहे जब हम अपने भी हो
अपना मतलब उन्होंने प्रैफरेंस अपने पहलों दें सो वो कितना कितने वो चीज़ भी जी सारे नुकसान कर रही। फिर दूजी गल जी कंट्री ने वह मतलब असूलों जहाँ चलते जो हम तीन बंदे बहन की जगह उन्हें तीन ही बिठा के लियाने भावें उत्तर सत्त बंदे बह सकते साढ़िया इंडियन ट्रेन होंगे तो इन्ने बंद कितना कहना औखा काम उन्हें एक ट्रेन बिठा के कड़ देने सीटा उत्तर खड़े करके भी चलो अगले स्टेशन से उतर जाओ पर उत्थे आ भी काम नहीं है जिन्हें जिन्हें अलाउड ने उन्ने बैठने